Let us start today's lecture with exercise 2.2, question number 14. Homework में दिया था लेकिन थोड़ा कुछ confusion है. Let's see. चलो मैं सीधा given लिखता हूँ और diagram बनाने की try करता हूँ. A man of height 1.5 meter. Man का height है 1.5 meter. ठीक है. Walks towards a lamp of height लैंप का हाइट है 4.5 मीटर और ये इसके टुवर्ड्स जा रहा है. वॉकिंग टुवर्ड्स द लैंप एट द रेट ऑफ 3/4 रेट 3/4 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट एट विच फर्स्ट हिज शैडो is shortening and number two the tip of the shadow is moving. अच्छा ये वाला नहीं आया होगा. Tip of the shadow is moving. चलो ठीक है. पहले तो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो. कोशिश क्या करो, इजी है. एक लैम्प है, एक आदमी है. लैम्प का हाइट देके रखा है 4.5 मीटर. ये लैंप का हाइट हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा. ये आदमी का हाइट हो गया जो लास्ट सब में अपन ने देखा था. इसमें तो कुछ दिमाग वाली बात ही नहीं है. नाम दे दो. ए ओ एन एम आप कुछ भी दे सकते हो. बी ये हो गया मैन, ये हो गया लैंप, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स. ठीक है. चलो अभी इसका कहानी मैं अपन ने जो जो लिया है वो लिख देते हैं. लेट ये लिखना कंपलसरी है बाबा. लेट ओ ए बी द लैंप एंड एन एम बी द मैन. MB equals to X. B the length of the shadow. लिखते जाओ ये. And OM equals to Y. B the distance of the man from the lamp post जो अपन ने ड्रॉ किया वो लिख दिया इधर. ठीक है. देन रेट दे के रखा है dy by dt is 3/4 minus 3/4 क्योंकि वो टूवर्ड्स जा रहा है मीटर पर सेकेंड. ये इंपॉर्टेंट. हाँ फिर mn देखे रखा है 1.5 मीटर एंड फिर ओ ए देखे रखा है 4.5 मीटर. दिस इज ऑल गिवन. ओके नाउ फर्स्ट थिंग दो ट्रायंगल अपन ने कल भी देखे थे. ट्रायंगल एन एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी. इसका टेस्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं है. MB upon MN equals to OB upon OA. MB upon MN, देखो MB upon MN is equal to OB upon OA. Corresponding sides ले ली. MB है X, MN है 1.5, OB है X plus Y, OB X plus Y, OA है 4.5. ये और ये कट करोगे तो 3 3x is equal to x plus y, 2x equals to y, or you can say x is equal to y by 2. ठीक है. अब इसको डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t
ये हो जाएगा dx by dt 1 by 2 dy by dt, dy by dt का वैल्यू है माइनस 3 by 4 1 by 2 into माइनस 3 by 4 will be माइनस 3 by 8 मीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि शेडो जो है वो टूवर्ड जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा. शेडो इज शॉर्टनिंग. अब चाहिए तो रीजन लिख लो. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द शेडो इज शॉर्टनिंग एट द रेट ऑफ 3/8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. हर्ष ये बराबर आया था बेटा? हर्ष हाँ सर. वेरी गुड सर ये आया था. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. पहले ये इतना लिखने दो सबको. ये हो जाएगा तो बोलो. डन डना डन. चलो सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पे करता हूँ मैं, सो दैट आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो. हाँ सेकेंड पार्ट टिप का जो है वो रेशियो पूछा है. अब ये जो टिप है ये है बी. हर्ष बी इज द टिप ऑफ द शेडो बराबर ना? ये आदमी तो शेडो इधर ही आएगा ना बेटा. हाँ टिप ऑफ द शेडो एंड इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स प्लस वाई फ्रॉम द लैम्प पोस्ट. सिंपल बात है बराबर. सो रिक्वायर्ड रेट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी अपन ने निकाला माइनस 3/8, डी वाई बाई डी टी माइनस 3/4. एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आएगा माइनस 3 माइनस 6/8 विच इज माइनस 9/8 मीटर पर सेकेंड. सिंपल. बोलो क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. हो गया? चलो शरीक हो गया बेटा. शरीक चलो क्वेश्चन नंबर 15 करता हूँ.
क्वेश्चन नंबर 50। अ लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सा मार्क करो भाई, इसको आएगा 2020-21 में। इफ अ बॉटम ऑफ अ लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, उसको नीचे खींचा ऐसा, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। क्वेश्चन समझा? एक लैडर है, उसको हम नीचे खींच रहे, कितने जल्दी नीचे गिरेगी, जब मतलब 6 मीटर पे रहेगा तो उसका रेट कितना होगा वो फाइंड करना। ये एक लैडर है, ये वाली एक देखो, ये एक लैडर है, ये वॉल है, ये लैडर है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये लैडर है, इसको मैं यहाँ से ऐसा खींच रहा हूँ, ये तो ये नीचे जाएगा ऐसा, ये समझा? ये लैडर का टॉप है, ये नीचे जाएगा और ये पीछे जाएगा। समझ में आ रहा है? ये लैडर है, हाँ, दिस इज लैडर, एल ए डी डी ई आर, एंड दिस इज वॉल। चलो जो है वो लिखो, लेट ए सी बी डी लैडर, अच्छा समझा? ये बी सी इक्वल्स टू एक्स, बी डी डिस्टेंस ऑफ ये बॉटम, ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। एंड ए बी इक्वल्स टू वाई, बी द डिस्टेंस ऑफ द टॉप of the ladder from the wall, from the floor। ठीक है, तो अपने को देखे क्या रखा है, ये नीचे गिर रहा है ना, ये स्लाइड हो रहा है, तो dx by dt is given as 1.2 meter per second, AC जो है लैडर का हाइट 10 मीटर, एंड BC जो है वॉल है 6 मीटर। कितना दूर गिरेगा उसका फुट? 6 मीटर। दिस इज ऑल गिवन। कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC square equals to x square plus y square. So y square is equal to AC square minus x square. So y square is equal to 10 square minus x square. Equation number 1. इसको differentiate कर देता हूँ। Differentiating with respect to t, ये मिलेगा d 2y dy by dt. 2y dy by dt ये 0 minus 2x dx by dt, ये 2 और ये 2 गया, तो क्या बचा? dy by dt equals to dy by dt is equal to minus x upon y dx by dt. We have dx by dt का value as 1.2 और x का value है 6, so we can say dy by dt I'm sorry dy by dt equals to minus 6 into its value 1.2 or y ka value hai 10, y ka value malum hi nahi hai, y barabar। x का वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करोगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा ना, सब्स्टिट्यूट कर 8 आएगा 8। हाँ, इन इक्वेशन नंबर 1
वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, y स्क्वायर 100 माइनस 36 64, y इज इक्वल टू 8 मीटर। y का वैल्यू 8 डाल दो इसके अंदर, सो वी गेट dy बाय dt माइनस 6 इनटू 1.2 अपॉन 8, 3 2 जा 4 2 जा 4 3 जा माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड। Minus sign in negative sign indicates that ladder is coming down. Ladder is coming down. Done. चलो लास्ट सम कर लेते फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 16, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है? हर्ष, चंचल, शरीक? नो सर। वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन आने का फुल चांस है, लैडर वाला। चलो लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 16। इफ अ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड, ये भी एक दो बार आया हुआ है, भाई ये वर्टिकल है, इसके अंदर पानी भर रहा है, उसका रेट देके रखा है, तो ये कौन से रेट से फिल होगा जब उसका डेप्थ जो है 2 सेंटीमीटर तक ठीक है, ये सेमी वर्टिकल लेंथ तेरे को देके रखा है 30 डिग्री, ये हाइट ले लिया x, ये ले लिया y ठीक है, इसको नाम दे दिया o, इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b और इसको नाम दे दिया c, क्लियर। चलो स्टोरी लिख दो, लेट o a इक्वल्स टू x, b दी वाटर लेवल जो इंक्रीज होते जाएगा, उसका रेट अपने को देके रखा है, वॉटर लेवल ओ सी बी दी रेडियस ऑफ द कोन इक्वल्स टू वाई बी दी
रेडियस ऑफ द कोन एट वाटर लेवल, क्योंकि रेडियस भी बढ़ते जाएगा ना, यहाँ पे होगा तो रेडियस इतना होगा, यहाँ पे होगा तो रेडियस इतना होगा, यहाँ पे होगा तो वाटर लेवल जैसा होगा उसका रेडियस इंक्रीज होते जाएगा, जैसे वाटर लेवल इंक्रीज होगा वाटर लेवल का जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होगा, कॉमन सेंस, समझा कि नहीं? वाटर लेवल एंगल ओ ए सी बी दी सेमी वर्टिकल एंगल, बी दी सेमी वर्टिकल एंगल एंड वी बी दी वॉल्यूम एंड वी, क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा पानी, वॉल्यूम ऑफ दी वाटर, ठीक है? देन dx by dt is 1 centimeter per second, x is equal to 2 centimeter, this is given. जो गिवन है वो लिखते जाओ बाबा, तो आपको तकलीफ नहीं होगा कुछ भी. और नहीं समझ में आया तो भी पूछ सकते हो आप. Now, अभी समझना ध्यान से, यहां से कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, ये समझने वाली बात है. इन ट्राइंगल ए ओ सी बराबर, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा, 30 60 90 का रूल यूज होगा. टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, सो 1 बाई रूट 3 is equal to y upon 2, x का वैल्यू 2 है, y is equal to 2 by root 3, बराबर, x का वैल्यू 2 है ना, given है अपने पास x का वैल्यू 2, मैंने डाल दिया, ये दे दो y का वैल्यू, इसको दे दो equation number 1, चलो आगे बढ़ते हैं, v is equal to, volume का formula क्या है, कौन का, 1/3 πr²h, बराबर ना, 1/3 πr²h, यहाँ पे 1/3 π रेडियस की जगह पे है तेरा वाई स्क्वायर, एच की जगह पे तेरा हाइट, बराबर, सो यू कैन से 1/3 × π, वाई का वैल्यू 4/3 × x, एक्स का वैल्यू कितना है बाबा, एक्स का वैल्यू है 2, 4 × 2 = 8π/9, ये आ गया तेरा वॉल्यूम, बराबर. अपने को इसको x और y के टर्म में ही रखना पड़ेगा, x के फॉर y के टर्म में लिखो क्योंकि डेरिवेटिव निकालना बाकी है, y की जगह पे आ जाएगा इधर y स्क्वायर की जगह पे आएगा x²/3 × x, सो दिस विल बी 1/9π × x³, इक्वेशन नंबर 2. पाई बाय 9 भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज पाई बाय 9 x³, ओके. अब इसका डेरिवेटिव लो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाय dt पाई बाय 9 x³ का आएगा 3x² dx बाय dt, बराबर है, सो पाई बाय 9 into 3, x का वैल्यू है 2, dx by dt है 1, तो pi by 9, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 4, pi by 3, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, that's all, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर मिलेगा, और आपने ऐसे ही रखना है. So, ये हुआ खत्म एक्सरसाइज 2.2 जो सबसे बड़ा है. सो नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4, 2.3 ओमिट है ना, लास्ट एक्सरसाइज खत्म कर देंगे कमिंग वीक में, हो गया फिर आपका काम खत्म. कोई डाउट है? अभी नेक्स्ट लेक्चर कब है? मंडे 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 सर, कल और परसों दोनों लेक्चर नहीं है ना? कल मुश्किल है,
परसों लेने का मेरा चांस है, मैं कल डालूंगा, संडे को मोस्टली लेने का सोच रहा हूँ मैं। फिर मत लो ना। चलो ठीक है, मंडे को रखता, ठीक हाँ सर, खाली ये लेक्चर पार्थ को सेंड कर देना ना। है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। चलो बाय बाय, गुड नाइट, ये बाकी है लिखने का तो रुकता हूँ मैं। जैसे मेरा गया। चलो ओके, बाय बाय।